यमुनानगर में क्राइम ब्रांच ने अपराध पर लगाम लगाने में फिर से बड़ी कार्रवाई हासिल की है। क्राइम ब्रांच ने फिरौती मांगने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कारोबारियों को धमकी देकर फिरौती मांगते थे। गिरफ्तार किए गए इन 3 आरोपियों की उम्र महज 20 से 28 साल के बीच है। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 19 सितंबर को जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर के मालिक 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के लिए धमकी भरा पत्र लिखा था और अगले दिन जगदम्बा क्लॉथ हाउस के मालिक को विदेशी नंबर के जरिए व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगी थी, जिसके बाद व्यापारी की शिकायत पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई। पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि आरोपियों की पहले ही पहचान कर ली गई थी, लेकिन आज आरोपियों को पुख्ता सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। इसमें जो जगदम्बा क्लॉथ हाउस बिलासपुर है, वहाँ पे 19 तारीख को जो है इनके मालिक से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। ये एक नामी गैंगस्टर के नाम पे, बिश्नोई गैंग के नाम पे फिरौती मांगी गई थी। पहले एक लेटर जो है वो इनके घर पहुँचाया गया था, जिसमें इस फिरौती की मांग की गई थी और उनको धमकी भी दी गई थी साथ में। और बाद में एक विदेशी नंबर का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पे उनको धमकी भरी कॉल भी की गई थी और एक निश्चित स्थान पे उनको पैसे पहुंचाने और उसके बाद फिर से दुष्परिणाम भुगतने के बारे में धमकी दी गई थी। तो इसको मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और तो इनसे पूछताछ भी की गई, जो हमारा पीड़ित पक्ष था, और तुरंत जो टीम्स हैं वो फॉर्म की गई थी। जो बिलासपुर थाने की टीम थी SHO बिलासपुर के अंडर, और जो हमारे CIA और स्पेशल स्टाफ हैं, CIA 2 और बर्गलरी स्पेशल स्टाफ, इन सब की टीम्स जो हैं वो तुरंत फील्ड में भी डिस्पैच की गई थी, जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, और साथ में टेक्निकल रिसोर्सेज जो हमारे साइबर सेल के हैं वो भी इसमें लगाए गए थे। तो लगातार प्रयास के बाद इसमें जो पूरा इसका प्रकरण है उसको हमने इसको सुलझा लिया है, और जो भी इसमें मुख्य आरोपी थे इनको पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनमें से 3 मुख्य आरोपी जो हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वही पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने यह भी बताया है कि आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है कि व्यापारी को धमकी देने के समय उन्होंने उनके घर के पास अवैध हथियार से हवाई फायरिंग भी की थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम जल्द आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल अवैध हथियार भी बरामद कर लेंगे। तो अभी तक तो केवल एक आसान तरीके से अमीर बनना और किसी एक विशेष व्यक्ति या वर्ग को धमका के पैसे जो है फिरौती लेना, यही अभी तक रीजन सामने आया। बाकी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और कोई अन्य कारण भी होंगे उनके बारे में पता नहीं। 20 लाख जो है, 20 लाख उसके बारे में लिखा गया था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे ये हो रहा था तो हमारी टीम्स ने इसके बारे में टेक्निकली भी सबसे पहले जो हमारा पीड़ित पक्ष था उसको भी पूरी तरह से आश्वस्त किया, कॉन्फिडेंस दिया, और जगह जगह इसके बारे में निरंतर रेड की गई। तो इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया था, पर जैसे ही इनके बारे में हमें पता चला हमारी टीम्स अलर्ट थी और कल देर रात फिर इनको इन तीनों। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है और फिरौती की योजना में शामिल गिरोह में अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा आरोपी पूछताछ में कौन से नए खुलासे करते हैं। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।